हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं वो आपको राइट नाउ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, मैसेजेस के थ्रू उनके मन की बात हम देखेंगे। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता किस राशि के हैं आप, किस जेंडर के हैं, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ओके, सो आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। So first message we have, हर वक्त आपका ख्याल रहता है। सो आपके पर्सन को हर वक्त आप ही का ख्याल रहता है। 24/7 आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। ये मैसेजेस मैं अलग रख रही हूँ, ओके, ताकि बार बार रिपीट ना हो। नेक्स्ट वी हैव, शायद हमारा साथ यहीं तक था। सो हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं। आपके पर्सन को कभी कभी लगता है कि आप दोनों का साथ यहीं तक था, लेकिन कभी कभी इनको डिसेप्शन, आपके पर्सन फेक मास्क पहने रखते हैं, ये दिखाते कुछ और है, ये प्रटेंड कुछ और करते हैं, और इनकी एक्चुअल फीलिंग कुछ और ही होती है। समटाइम्स आपके पर्सन खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और आपको भी कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव, इट्स सो पैनिक। ओहो, सो ये जो प्यार है ये बहुत दर्द देता है जनाब। ऐसा आपके पर्सन की सोच है, ऐसी थिंक आपके पर्सन की है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा ये प्यार, ये प्रेम रोग, इस रोग का तो कोई इलाज भी नहीं है। सच्चे प्यार में इतना दर्द क्यों होता है? आई कैन डू Everything, anything for you. आपके पर्सन कुछ भी कर सकते हैं आप लोगों के लिए, कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कर सकते हैं, लेकिन आप करने को बोलिएगा मत। Next we have, किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता है, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सो ये सॉन्ग चैनल हुआ है, सुनेगा जरूरी। आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, हीलिंग, आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है, आपके पर्सन हील हो रहे हैं। ओके, और क्या है, आई हैव फियर टू। ओके, आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। आई हैव फियर टू लॉस यू, आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाएं, ये लिटरली फियर ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं। क्यों क्यों नहीं खोना चाहते? बिकॉज दे लव यू अनकंडीशनली, ठीक है, आपके पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, दैट्स वाई आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। अडिक्शन, आप इनके अडिक्शन बन चुके हो, आप इनकी आदत बन गए हो, आपके पर्सन आपसे अडिक्टेड हैं, तो कैसे जाने देंगे? मैं तुझे भूलूंगा ना कभी, चाहे तू मुझको देना भूला, आदतें जैसी है तू मेरी, आदत कैसे भूलूं भला। सो आप इनकी आदतों कैसे भूल जाएंगे आपको? नेक्स्ट है, थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। 24/7 आपके पर्सन, 24/7 I think for you, आपके पर्सन 24/7 आपके बारे में सोचते हैं। लव मैरिज, ओके, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं लव मैरिज में तो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है मेरे उन व्यूवर्स के लिए जो सोच के बैठे हैं कि हमें तो लव मैरिज ही करनी है अपने पर्सन से, तो हाँ पॉसिबिलिटी है आपकी लव मैरिज की अपने पर्सन से। ये स्पेसिफिक मैसेज था, सभी के लिए नहीं था। ओके, अभी हम कुछ मैसेजेस यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से सॉन्ग भी आएंगे कुछ। ओके,
क्या गलती हो गई, पता सब है गाइस, पता सब है इनको, अच्छे से पता है क्या गलती हुई है, लेकिन ये आपसे पूछना चाहते हैं। हो सकता है आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं, हो सकता है आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये बहाना ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसे ही पूछ लूँ, कम से कम इनसे गलती क्या हुई ये तो बता दो, इस बहाने आप कम से कम बात तो कर लोगे इनसे। नेक्स्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप चाहते क्या हो। सो गाइस, अगर सच में ऐसा है, आपने अपने पर्सन को सस्पेंस में रखा है, तो सही जा रहे, बढ़ने दीजिए क्रस्टी होने दीजिए। आपके पर्सन के मन में क्रस्टी है ये जानने की कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। बस आपका साथ चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, अगर आप साथ हो ना तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। और क्या है, बस थोड़ा वक्त और चाहिए। आपकी पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, बट इनको थोड़ा सा वक्त और चाहिए, सो आप इनको थोड़ा सा वक्त और दें, फिर ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और क्या है, ओके, सॉन्ग है तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। सो आपकी पर्सन को सिर्फ आपका साथ चाहिए। मुझे पता है मैं मेरा गला बैठा हुआ और मैं कैसा गा रही हूँ मुझे पता है, लेकिन क्या करें गाइस, मुझे पसंद है सॉन्ग गाना, है ना, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत, चाहे फिर मुझे पता है मैं अच्छा। देखिए वही बात हुई, अगर कोई इंसान दिखने में सुंदर नहीं है तो क्या वो शीशा देखना छोड़ देगा क्या, नहीं ना, वो भी संवरेगा। तो वैसे ही है, अगर मुझे ढंग से गाना नहीं आता इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं गाना छोड़ दूंगी, मुझे अच्छा लगता है। झक मार के, अरे ये भी एक सॉन्ग है, तुझ पे ना एतबार मुझे, फीका लगे तेरा प्यार मुझे, मैं ना बनाऊं दिलदार तुझे, सारे सपने थे झूठे अब तक प्यार के, हो रब जाने दिल जाने, बैठा दर पे मैं तेरे अब दिल हार के, गलती से गलती की कभी पीछे पीछे आया तेरे झक मार के। सो आपके पर्सन झक मार के आपकी तरफ आने वाले गाइस, ये है आपके पर्सन की तरफ से मैसेज आप लोगों के लिए, होप आपसे रेजोनेट हुए हैं, अगर रेजोनेट हुए हैं तो मुझे बताइएगा जरूर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सियाराम।